DJ Sue in the house, baby. And this is DJ Q. And you're welcome to Rewind by Benialla. Ding, 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 what ding. Is up? तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो यार. भाई चले जाते हैं. हम तो हर एपिसोड में आ जाते हैं हमारे. नहीं मैं जा रहा हूँ. नहीं नहीं ऐसे नहीं. मतलब मोगैम्बो जब तक नहीं आ रहा तब तक तो रहो. तो मोगैम्बो जी क्या है वो थोड़ा छुट्टी उट्टी पे गए हैं. तो हमारे ये भाई हैं डीजे क्यू. तो ये आजकल आ रहे हैं. तो क्या करिएगा अगर आपने इनका एपिसोड पहले वाला कोई नहीं देखा है तो हमारे पिछले दोनों एपिसोड देखिएगा. तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बकैती करी हुई है उसमें. और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो ये है डीजे क्यू का इंस्टाग्राम हैंडल और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और ये बेनियाला प्रोडक्शंस का. तो हमारे को फॉलो करना मत भूलिएगा. और घंटी उससे पहले सब्सक्राइब. पहले सब्सक्राइब तो करवाओ. एकदम नया नया आदमी है वो. कोई बात नहीं. अभी उसको हमने नया नया काम पे रखा है. उसको पहले चेक भी नहीं आया अभी. तो ये क्या है ये सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा. और उसके बाद क्या करना है फिर से घंटी. शाबाश. अब लगा लौंडे ने पकड़ा. मुझे लगा 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग भूल चुक माफ है. हाँ, 50 रुपये कटेंगे तुम्हारे ओवर एक्टिंग के. ठीक है ना. तो बहुत मज़ा आ रहा है हमारे को इनके साथ. कोई बड़े अच्छे अच्छे एपिसोड हम लोग शूट कर रहे. तो आज आप हमारे को क्या दिखाएंगे. राजा की बाजी. राजा कुमारी. किंग का बाजी. ओहो ये लड़का जो है ये घुमा फिरा के बातें करता है. बहुत बकैती करता है. तो किंग का गाना आया बाजी. यस yes. और वो हम सुनेंगे. नहीं गाएंगे. अच्छा ये भी ठीक है. तो अब एक काम करते हैं. किंग का गाना आया. बहुत टाइम बाद आया. पहले वाला जो गाना था हमने उनका किया था है? और वो तो बहुत अच्छा था. तो ये वाला भी करे हम लोग करे थे. वो स्लो गाना था. आस्था गिल के साथ एक गाना आया था. उसका एक अकूस्टिक वर्जन हम लोगों ने किया था. और ये पता नहीं कैसा गाना है. स्लो है फास्ट है. तो दबाओ फिर प्ले कर दो. मैं सुनाई दो. अरे स्केटिंग महिला. सुंदर महिला. मोगैम्बो अगर यहाँ होता तो मोगैम्बो गाने का रिव्यू ना दे पाता. कन्या आंखों में हार्ट बन जाते भाई के. इसने बाल कटवा लिए. अच्छा वार्नर में म्यूजिक. सिंथ वेव. 100% सिंथ वेव. हम तुमसे जब मिले मिलते ही रहे. तुम्हें देख के मुझे लगता है मेरे दिल को एक मिली है शांति. काफी हम फिरे तुम तब जाके मिले. लगता नहीं ये सच है या कोई ख्वाब है. मेरा तो फना कर दो और निकल के तू सच में आ जा. इस दुनिया से मुझको चुरा जा. शांति अभी क्या हो तू मेरे प्यार को. के मेरे जैसा कोई नहीं है. ये मेरी हो के सबको बता जा. तुम देख लो है आखिरी. गुड सॉन्ग यार. है ये बाजी. तुम्हें जीत लो खुद हार के. लिरिक्स पे अच्छा लिखे हुए. मैं बस रुका. Again, clean lyrics. Music बहुत अच्छा है. अच्छा चेक म्यूजिक इसलिए. इतना आजकल सब सिंथवेव कर रहे हैं ना. पता नहीं चलता म्यूजिक. किसी का सिग्नेचर नहीं है सिंथवेव इस वक्त. इवन दिलजीत भी सिंथवेव बना रहे हैं. बादशाह भी सिंथवेव बना रहे हैं. ये भी सिंथवेव. बहुत लोग सिंथवेव कर रहे हैं. इट्स इन ट्रेंड. नाइस लुक. वहाँ पे रहती हो. मैंने सुना है कि दिल को संभाले. तुम कब से यहाँ पे बैठी हो. यहाँ पे बैठी हो. जो खा चुका हूँ छोटे उनको तुम शफा कर दो. और निकल के तू सच में आ जा. इस दुनिया से मुझको चुरा जा. जानती है मेरे प्यार को. के मेरे जैसा कोई नहीं है. ये मेरी हो के सबको बता जा. तुम देख लो है आखिरी. ओ वेरी नाइस. क्या अच्छा तुम्हें जीत लो खुद हार के. मैं बस रुका हूँ. तुम कब हो राजी. वेरी नाइस. मीनिंग बहुत अच्छा वीडियो. वेरी अच्छा वीडियो. वेरी नाइस. ना 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 ना
अमेजिंग यार, यार बहुत अच्छा गाना है. मेरे को पहले देखना म्यूजिक किसने दिया. म्यूजिक दिया है सेक्शन 8. इनका नाम मैंने हाल ही में भी सुना है. सेक्शन 8 ने शायद और भी कुछ गाने दिए. हाँ मैंने सुना है नाम. बट वेरी नाइस म्यूजिक. म्यूजिक तो खैर आजकल सिंथवेव चल ही रहा है तो वो ये लिरिक्स बाय किंग और लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं. मतलब अभी लगेगा एक और बार सुन के उनको समझने में. और क्योंकि कई कई जगह पे हम मिस आउट कर रहे थे क्योंकि क्या होता है कि वीडियो भी देखना होता है ऑडियो भी सुनना. तो रिव्यू के टाइम पे आपको गाने को एक बारी में जज करना बहुत मुश्किल होता है. बट आई एम श्योर इसके लिरिक्स लिखे हुए हैं वो कई बार एक आध बार हम और सुनेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. एंड आई एम श्योर दे वेरी वेरी मीनिंगफुल. बहुत कम गाने होते हैं अच्छा है, पता है जो पहली बार ही पसंद आ जाए. हाँ ये अच्छा गाना है. अच्छा ये हाँ एक्चुअली क्या ये गो टू सॉन्ग है. मतलब आप कहीं भी सुन कर रहे हो, ड्राइव करते हो सुन लो, पार्टी में सुन लो, घर पे सुन लो, आप दोस्तों के साथ शराब पी रहे हो, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, आप गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहे हो, कॉफी पी रहे हो, तो इट्स अ गो टू सॉन्ग. कर सकते हैं. तो अभी क्या है कि गो टू सॉन्ग अभी हम लोगों ने सुना. अब मैं एक सुनाऊंगा आपको पार्टी एंथम. चलो ठीक है या फिर एक ऐसा पार्टी एंथम व्हिच इज बाय इमरान खान. ओहो ठीक है. आई लव दैट. और बेसिकली क्या है कि इमरान खान का ये बहुत पहली सबसे पहला एक्चुअली ये गाना जो है इनका फेमस हुआ था उस टाइम पे. और इसमें इनके साथ थे एक रैपर थे लकी who was there with him in this song. और एक गाने की वाइब अलग है. What you have been hearing of Imran Khan till now, जो videos हम अभी तक देखते हैं, videos भी एकदम अलग हैं, गाने की वाइब और गाने की फील भी एकदम अलग है. इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉन्ग क्योंकि जो पहली एल्बम थी उसका ये गाना है. और पहले नहीं मतलब हो सकता है इससे पहले भी आया, बट ये एक इनकी एल्बम में गाने बहुत अच्छे अच्छे थे इनके. और दिस इज़ द वन सॉन्ग विच एक्चुअली वॉज अ चार्ट बस्टर इन दैट पीरियड. तो ये 2006-07 के करीब का गाना है. इमरान खान के वैसे भी सारे गाने चार्टबस्टर होते हैं यार. अब थोड़ा बहुत हम लोग पीछे भी हमने रिव्यूज करे थे, कमेंट्स में कई लोग इससे सहमत नहीं थे, पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड जो हम लोगों ने इमरान खान के कुछ गाने पे रिव्यूज. अब वो क्या है, वो थोड़ा ही इज गेटिंग इन टू मम्बल रैप. ओके. बट जो इनकी अब की ऑडियंस है जो हमारे से उस दिन डिबेट कर रहे थे कमेंट्स में कि आपको इमरान खान की जो अभी वाली वाइब है, तो मुझे पर्सनली इमरान खान की ये वाली वाइब बेवफा एम्पलीफायर और इमेजिनरी और नी नेचले बहुत क्लासी थी ये. बहुत मतलब दिस यूज्ड टू बी इट यूज्ड टू बी मतलब गाना है तो हैज़ टू बी अ पार्टी बैंगर वाला गाना. पता चल गया अभी करके गाना था, बहुत अच्छा गाना था. तो अब ये गाना सुनते हैं नी नेचले आपको सुनाएंगे. एंड इट्स अ डेफिनेट पार्टी नंबर. एंड आई एम श्योर कि अगली सैटरडे नाइट में आपकी हाउस पार्टी में आप इसको जरूर सुनेंगे. एंड आई एम श्योर दैट यू विल रिक्वेस्ट इट टू योर डीजे एज़ वेल. तो लेट्स लिसन टू इमरान खान नी नेचले फीचरिंग लकी. दबाएं फिर प्ले. इमरान खान के लुक भी बहुत अलग है इसमें. व्हाइट पंपी वन. इमरान खान लुक वेरी डिफरेंट इन दिस. अब की लुक और पहले की लुक में बहुत फर्क है. That was Imran Khan. He's pretty young. ਤੇਰਾ
Shake your booty, shake them goodies. If you want to, bring it to me. It's a party, everybody. Throw your hands up if you're with me. Shake your booty, shake them goodies. If you want to, bring it to me. It's a party, everybody. This is lucky. Let me see your hands then. सैल्यूट तो इसको ही बनता है यो यो सैल्यूट बनता है अरे यो सैल्यूट का मैं यो यो सैल्यूट कर दिया वेरी नाइस पर यार मैं अभी बीच में भी बात बोल रहा था ना दिस इज द वाइब ऑफ इमरान खान मतलब लोग इस पर डिबेट करते हैं कि आपको समय के साथ आर्टिस्ट को बदलना चाहिए समय के साथ ये होना चाहिए लेकिन क्या होता है कि इमरान खान का ना मैं आई एम वेरी बिग फैन आई लव हिम मी टू और हिज सॉन्ग्स ना मतलब मेरे को अगर मैं कहीं गाड़ी में भी सुन रहा हूँ बैठ के मुझे एक फैशन एक ग्लैमर एक उम्फ आता है गानों के अंदर से ठीक है ना कि गड्डी साड़ी बैज या मतलब एक उसमें ना मैं एक एग्जैक्ट वर्ड बोलूँगा गाना में सेक्स है आई हैव गॉट अ सेक्स अपील इन टू इट के कदी मेरे ख्याल विच कदी मेरे उसका वीडियो कितना क्लासी था सेम लाइक समझ ना अब उसमें लगेगा आपको इनके गानों के साथ वाइब ऐसी थी कि बैठे हुए चार छह लड़कियां बगल में बैठी आई एम सिटिंग इन अ कबाना इन अ बीच और ऐसा वाइब कैसानोवा टाइप कैसानोवा You heard the word. कैसानोवा वाइब आती है तो अब के जो गाने हैं ना मुझे उनमें वो कैसानोवा वाइब नहीं आ रही इट्स मोर टुवर्ड्स एन अंडरग्राउंड मोर टुवर्ड्स यू नो वेरी हार्डकोर हिप हॉप नो मोर कमर्शियल नो मोर मतलब वो ही इज अ टिपिकल कमर्शियल आर्टिस्ट एंड आई फील इमरान खान शुड गेट बैक एंड स्टार्ट मेकिंग म्यूजिक लाइक नी नचले बेवफा एम्पलीफायर पता चल गया सेटिस्फायर Exactly. इस तरह के गाने है ना करीजिए आपको भी अगर ऐसा लगता है देखिए क्या होता है सबका ओपिनियन होता है किसी को किसी तरह का म्यूजिक पसंद होता है किसी को लेकिन हम एक आर्टिस्ट के साथ जब बात करते हैं तो एक ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं तो अपना भी आप अपना प्रोस्पेक्टिव हमारे को बताइए नीचे कॉमेंट्स में कि आपको इमरान खान की ये वाली वाइब पसंद है या वो नई वाली वाइब पसंद है और क्यों पसंद है लेट्स डिस्कस अबाउट इट और हमारे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स में हेल्दी वे में प्लीज़ लिखिएगा और हम भी उसको हेल्दी वे में आपको रिप्लाई करेंगे एंड और आप इसके साथ साथ जिन जिन गानों को चाहते हैं हम कवर करें अपने शो में आप प्लीज़ उनके बारे में भी हमको बताइएगा और हम उनको जल्दी से ही अपने शो में कवर करने की कोशिश करेंगे और आप ये गाना जो है इसको सुनिए अपने घर में सब्सक्राइब कीजिए वो तो चैनल को करेंगे ना मैं गाने की बात कर रहा था लाइक शेयर कमेंट अरे अभी क्या है नए नए आए हैं तो हमने इनको बोल रखा है कि गो तो ये गो में शुरू करते हैं अभी गो आप देख लीजिए कौन सा वाला है तो अभी गो जो था वो ये था कि गाना जो है ना ये आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसको क्या करना है वीकेंड पे सुनना है अपने दोस्तों को सुनाना है गाड़ियों में भी सुनना है इस पर क्या करना है रील बनानी है स्टोरियाँ बनानी है और उस पर इमरान खान को टैग करना है और इमरान खान के साथ साथ आपने टैग करना है हम लोगों को और हमारे को आपका इसी तरह से प्यार मिलता रहेगा हमें पता चलता रहेगा कि आप हमारे जो म्यूज़िक हम लोग आपको सुनाते हैं रीइंट्रोड्यूस करते हैं आपको वो गाने अच्छे लग रहे हैं तो हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलेगी इस शो को कंटिन्यू करके और आपको ये कॉन्सेप्ट में नए नए गाने सुनाते रहने की अब तुम गो तो अगर आपको ये गाना पसंद आया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और उसके बाद क्या है नीचे एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है उसके साथ क्या है घंटी बजी जिंगल जिंगल यहाँ नहीं हमारे यो सलूट को भी यो यो सलूट बना दिया घंटी को भी घंटी बजी जिंगल जिंगल कर दिया तो इससे पहले इस शो का नाम यो यो हनी सिंह शो हो जाए हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में मैं इनका थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करूँ ब्रेन वॉशिंग करूँ और इनको समझाऊँ कि भैया ये हनी सिंह का भूत उतरे तब तक के लिए आप क्या है देखते रहिएगा रिवाइंड के और एपिसोड्स को भी मैं आपसे अगली बार मिलता हूँ तभी इस आदमी को थोड़ा समझाने दो तब तक के लिए खटाक